ध्यान से सुनिए, हमारे किचन ने एक नया आइटम निकाला है, उसका नाम है चिकन लॉली। पर क्या ये चिकन लॉलीपॉप जैसा है? नहीं। क्या ये कबाब जैसा है? नहीं। क्या इसमें चिकन है? अगर कोई पूछे तो बोलो हो भी सकता है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ चिकन लॉली नहीं है, ये कुकर नुक्कर का चिकन लॉली है, हमारे प्यारे बॉस ठाकुर कुकर सिंह की खास पेशकश। ये कहाँ का ठाकुर है? कुकर नगर का। इनकी किताब कुकर कुकू में सब लिखा है। तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी सैलरी। हो, थैंक यू सर। सर, हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ज्यादा लिखा है, मेरे पापा ने मुझे पढ़ के बताया था। अब आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। क्यों सर? ये बात हमारे तुम्हारे बीच में है ना, आखिर हम सब एक परिवार हैं, वन हैप्पी फैमिली। एक मिनट, पर कॉन्ट्रैक्ट में अलग सैलरी क्यों है? चलो, टाइम हो गया, दरवाजा खोलो, चिकन खिलाओ। क्या तुम हमारी सैलरी का कुछ नहीं कर सकते? मैं क्यों? हम सब में तुम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। मैं? पर मेरा पैर तो 10 मिनट फंसा हुआ है। हाँ, पर तुम्हें इसे बाहर निकालना तो आता है। क्या माँ, मुझे लगा हम प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाएंगे। स्टेडियम तो बहुत दूर की बात है, जब तक तुम हॉकी के बेसिक रूल्स नहीं सीख लेते तब तक तुम स्टेडियम के पास भी नहीं जा सकते। क्या माँ, मुझे नहीं सीखने रूल्स, बड़े बेकार होते हैं। ये गद्दा क्यों है? रूल नंबर वन, अगर हॉकी खेलनी है तो पैर पर ऐसे फटके खाने की आदत डाल लो। ठीक है, मैं आपके रूल सीख लूंगा, सारे रूल सीख लूंगा, पर अब अगली बार मारने से पहले मुझे बता तो सकती है ना? रूल नंबर टू, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। मुझे मारना बंद करो। सनी, मैं तो तुझे असली मैच के लिए तैयार कर रही थी। अच्छा, अब मैं तुझे नहीं मारूंगी, हाथ दे। रूल नंबर थ्री, दुश्मन की बात पर कभी भरोसा नहीं करते। आप मुझे मारती रहोगी, हॉकी खेलना भी सिखाओगी। अच्छा, अब मैं तुझे बॉल कैसे ड्रिबल करते हैं ना वो बताती हूँ। ये देख, देख बहुत आसान होता है, चल तू ट्राई कर। रूल नंबर फोर, हमेशा चौकन्ना ना रहो, क्योंकि जिस चीज की तुम्हें उम्मीद होती है उसका हमेशा उल्टा ही होता है। हाय श्वेती। हाय पापा। अरे मैं तो नहीं। हाय रोहन। क्या हुआ रोहन, सब ठीक तो है बेटा? पापा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा बॉस हम सबको कम पैसे दे रहा है और पूरा स्टाफ चाहता है कि मैं उसके बारे में कुछ करूं। पर तुम ही क्यों? वो क्या है ना, उन सब में मैं ही सबसे स्मार्ट हूं। और वो इस नतीजे तक पहुंचे कैसे? बहुत ही सिंपल सी बात है पापा, क्या है ना, मैं एक हूँ जो अपना पेट डस्टबिन के बाहर निकाल सकता हूँ। क्या? छोड़ो पापा, आप नहीं समझोगे, अभी मेरे जैसे स्मार्ट होना सबके बस की बात थोड़ी ना है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं पापा, पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं? रोहन, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई चुनौती आए तो इस तरह से पता नहीं बोल के मुंह नहीं मोड़ते बेटा। अच्छा, मैं तो अब तक यही करता आ रहा हूँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे बढ़े तो अपने हक के लिए लड़ो, बगावत करो। याद रखो कि तुम्हारा पूरा स्टाफ तुम्हारी तरफ देख रहा है इस उम्मीद से कि तुम उन्हें सही रास्ता दिखाओगे, उनका मार्गदर्शन करोगे एक बहादुर लीडर की तरह। तालियां। जीले निकी जीले, बचपन के मजे ज्यादा देर नहीं टिकते। प्लान बोल क्या? ठीक है पाम, मैं पहुंच गई। मुझे वो दिख रहा है पाम, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। ओह नो, उसने मुझे देख लिया, अब वो मुझे हाय बोल रहा है, मैं भी उसे हाय बोल रही हूँ हंसते हुए। मैं बाद में बात करती हूँ। हाय कुनाल। हाय डॉली, कैसी हो? ठीक तो बिल्कुल नहीं हूँ, मिलने के लिए थैंक्स। नो प्रॉब्लम डॉली। नहीं नहीं, वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है डॉली, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी।